हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वाचिंग नाउ बी परफेक्ट चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं सभी का शाउट आउट देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल आराम से देखना। बट उससे पहले मैं आपको अपने विलेज का टूर करवाना चाहता हूं, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं टूर एंड फिर एक एक करके सभी को बिल्कुल आराम से शाउट आउट देंगे। एंड आप लोगों के जो भी डाउट्स, जो भी कमेंट्स आई, उस सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। वैसे सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने 50 प्लस बोला था, आपने 77 से भी प्लस करवा दिए कमेंट्स। भले ही उसमें कई कमेंट्स, कई सारी डुप्लीकेट आप लोगों ने कर रखी हैं, तो अगली बार से ऐसे मत करा करो यार, ज़्यादा स्पैम मत करा करो, ठीक है? एक सिंगल या डबल ही कमेंट करा करो। कई लोग तो 50 प्लस करवाने के नाते इतनी सारी कमेंट्स करते गए, मुझे पता है कई लोग ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं मुझे, तो भाई प्लीज़ इतना भी प्यार मत दिखाओ जो कि ओवर होने लगे। तो प्लीज़ अगली बार से सिंगल कमेंट करा करो, ठीक है? स्पैम मत करो, भले ही 50 से कम होगी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट मेनली आप ही लोग हो, ठीक है? आप हो तभी ये चैलेंज है। तो जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो, ये मेरा नॉर्मल सा छोटा सा विलेज है जिसको मैंने चारों तरफ अच्छे से फेंसेस से कवर करा है। ये हमारे यहाँ पर माइनिंग है एंड इसके अलावा मैंने थोड़े बहुत जानवर भी पाल रखे हैं, थोड़ी बहुत खेती भी कर रखी है। तो नॉर्मल सा काफ़ी बेसिक सा भी विलेज है मेरा ये। बस यहाँ पे मैंने किसी भी चीज़ में कुछ भी ऑटोमेटिक चीज़ अभी तक यूज़ नहीं करी है, जैसे कि जो भी ऑटोमेटिक फार्म वगैरह होते हैं वो सब मैंने यूज़ नहीं करा, क्योंकि मैं अपनी गेम को जहाँ तक हो सके उतना नेचुरल रखना चाहता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने बाहर अपना नैदर पोर्टल बनाया है, इसमें मैंने एक चीज़ चेंजेस कर दिए हैं। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में मैंने बनाया था, जिसकी मतलब मैंने वीडियो भी बना दिए, तो अगल बगल मैंने ना मतलब ये स्टोन फिर से लगा दिए हैं, ये इसके नीचे स्टोन वॉल के नीचे। एक्चुअली ये इसलिए लगाए हैं अगल बगल क्योंकि जब ये फर्स्ट मैंने लगाए नहीं थे ना, जब हम नैदर वर्ल्ड से वापस आते थे अपने ओवर वर्ल्ड के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक लावा के अंदर जलने लगता था हमारा प्लेयर। तो इसी वजह से मैंने ये अगल बगल भी ये लगा दिए हैं। एक तरीके से ग्लिच ही कह सकते हो, गेम के अंदर कुछ बग या ग्लिच था, क्योंकि बेसिकली लावा तो मतलब था नहीं, बट वो फिर भी अपना आप चलता था। बट जब से मैंने दो स्टोन बगल बगल में वोल्ट लगा देना, तब से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब कुछ नॉर्मल है। तो चलिए अब शाउट आउट ले लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारा शाउट आउट, बेसिक सा बोर्ड ये मैंने बनाया है शाउट आउट वाला, एंड इस पे सबसे फर्स्ट नेम है सुकांति नायक। गाइस एक बात और, अगर मैं आपका नेम को मतलब गलत बोलूँ, गलत प्रोनाउंस करूँ, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है? तो सुकांति नायक बोलते हैं प्लीज़ शाउट आउट दे दो एंड यू आर ओपी, तो भाई थैंक्स फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट है इंडियन टैग, तो ये भी बोलते हैं शाउट आउट। गाइस अगली बार से हो सके तो अपना कुछ डाउट भी लिखा करो एंड फिर लास्ट में लिखा करो शाउट आउट, ठीक है? नेक्स्ट है टाइगर वेवअप, ये लिखते हैं ब्रो व्हाई एवरीवन आस्किंग फॉर शाउट आउट, गिव मी शाउट आउट, वाह बेटे मोच कर दी। नेक्स्ट कमेंट है इट्स अननोन की, ये लिखते हैं कि भाई इन्हें GTA गेम के मोड चाहिए, जैसे कि लैम्बोर्गिनी कार होगी, और भी काफ़ी इन्होंने लंबी कमेंट लिखी है। तो भाई मैंने अच्छे से आपके कमेंट को पढ़ लिया है एंड जल्दी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट कमेंट है आशुतोष गायकवाड गेमिंग, एंड ये देखते हैं कि इन्हें ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो भाई मैं इसकी भी जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ लाने की। नेक्स्ट कमेंट है प्रियंकन गोयल की, तो भाई ये लिखते हैं कि जो बी लोकेशन और स्टिकी सिचुएशन होता है, ये अचीवमेंट कैसे लेना है। तो बी लोकेशन के लिए सिंपली जहाँ पर भी आपको बी नेस्ट दिखे उसके अंदर कम से कम 3 हनी बीज होनी चाहिए, उसको सिंपली आप सिल्क टच वगैरह वाले से उस बी नेस्ट को तोड़ के कहीं और पर जाके मतलब लगा दो, तो इससे आपका ये वाला अचीवमेंट पूरा हो जाएगा। एंड स्टिकी सिचुएशन के लिए आपको करना क्या है, जो हनी के ब्लॉक्स होते हैं वो आपको कम से कम 8 या 10 बना लेने हैं एंड उनको लगा देना है वर्टिकल या हॉरिजेंटल सेम में, एंड थोड़ा सा दूर जाके उनके ऊपर मतलब एक तरीके से स्लाइड करना है, जैसे हम लोग झूला झूलते हैं ना वैसे स्लाइड करना है, ठीक है? आपका ये अचीवमेंट भी पूरा हो जाएगा। बस हनी ब्लॉक्स पे आपको मतलब जंप करके जाना है एंड झूले की तरह उस पर मतलब सरक जाना है, ठीक है? स्लाइड हो जाना कुल मिला के, तो ये अचीवमेंट आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है सौरभ राठौड़, ये लिखते हैं शट आउट मी प्लीज़, भाई स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? आपको शॉर्ट आउट दे दिया। नेक्स्ट है एल सुबोध, तो भाई इन्हें RFS पे और वीडियोस चाहिए, यानी कि रियल फ्लाइट सिमुलेटर पे, तो भाई आपकी डिमांड जरूर पूरी करूँगा, नई वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट है अजय कुमार तिवारी, आपको भी शॉर्ट आउट मिल गया। नेक्स्ट है यार अज्जू भाई, इनके बारे में तो खैर बच्चा जानता है, तो भाई मैंने ऑलरेडी GTA San Andreas की वीडियो बना दी, आप देख लो, चैनल पे चेक कर लो, मिल जाएगी। नेक्स्ट है B38 सुमन। नेक्स्ट है फ्लैग माउंट गेमिंग, तो भाई मैं काइन मास्टर सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ, प्रो वाला फ्रॉम प्ले स्टोर पेड एप्लीकेशन है, ठीक है? नेक्स्ट कमेंट है स्टैम्प आई OP की, तो भाई आपको भी शॉर्ट आउट मिल गया। नेक्स्ट है आशुतोष व्यास, तो भाई मैं सिंपली जो रेडमी के मोबाइल के अंदर रिकॉर्डर आता है उसी का ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है सागर गेमिंग, तो भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट है V.Airy67, तो आपको भी शाउट आउट मिल गया। नेक्स्ट है Mod FF। नेक्स्ट है हैकर गेमिंग। नेक्स्ट है दीपक कुमार, तो भाई आपने बहुत ज़्यादा स्पैम करा था, अगली बार से ऐसा मत करना यार, मैसेज होगा, ओके? नेक्स्ट है प्रशांत कुमार, फिर है अरशद खान,
और ऐसे हैं एस गीता रानी, आदित्य कुमार एंड और भी कई लोग थे, तो उन लोगों की मैं कमेंट पिक नहीं कर पाया आज, बस इतनी ही। तो यार जिनको शाउट आउट नहीं मिल पाया उसके लिए यार प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो यही थी वीडियो आपकी, बेसिकली मुझे मेन शाउट आउट लेने थे एंड ये बोर्ड मैंने रेडी करा है इसी पे ही, मतलब ये मेनली हमारी वीडियो फोकस थी, ठीक है। आपसे आपको शाउट आउट यहीं पे मिलेंगे एंड जिन जिन के शाउट आउट होंगे उन सभी के बोर्ड यहाँ पे लगते जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज था क्योंकि यार पीछे मतलब डॉग की बार्किंग की आपको वॉइस आ रही होगी, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले जाइए, वंदे मातरम।